तुमने चुराई थी मेरी अरे इतनी घटिया आदत, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं मैंने नहीं चुराई है, मुझे नहीं पता इस थैले में कैसे आ गई, मैंने नहीं चुराई है। सच मुझे नहीं पता, ये औरत यहाँ कुछ खरीदने नहीं आई, चोरी करने आई थी, और आपके स्टोर में सिक्योरिटी इतनी भी। देखिए मुझे नहीं पता है, मैं क्यों उठाऊंगी, पर बैग से तो तुम्हारी ही निकली है ना, देखो शक्ल से इतनी शरीफ लगती है, कौन सोचेगा कि ऐसी हरकत करेगी। हद है, हद है, पैसे नीचता पुत्र आते हो। तुम्हारे हस्बैंड किधर है? चोरी करके भाग गए होंगे। ऐसे लुच्चे लफंगे लोग ना, अपनी टीम लेके चलते हैं साथ में। सवाल संभाल कर बात करो, हम कोई चोर नहीं है, मेरे पति बड़ी कंपनी में काम करते हैं, शरीफ लोग हैं हम लोग। हद हो गई है, ऐसे निश्चिता पे लोग उतर आते हैं। तुम्हारे हस्बैंड किधर है? चोरी करके भाग गए होंगे। ऐसे लुच्चे लफंगे लोग अपनी टीम लेके चलते हैं, ऐसे लुच्चे लफंगे लोग अपनी टीम साथ लेके चलते हैं। हम कोई चोर नहीं है, मेरे पति बड़ी कंपनी में काम करते हैं, अच्छे शरीफ लोग हैं आप लोग, चोर नहीं है। क्या हुआ? आगे इनके हस्बैंड। क्या हुआ? तुम्हारी बीवी ने मेरा डायमंड इयररिंग चोरी करके अपने थैले में डाल लिया था। मुझे कुछ नहीं पता, पता नहीं कैसे मेरे थैले में आ गया। ऐसे कैसे थैले में चला जाएगा? तुम्हारे साथ कैसे हो जाता है? देखिए मेरी वाइफ चोरी नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ है, मगर तुम्हें जो कुछ पता है साफ साफ बता दो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे आके गिरा मेरे थैले में। वाओ, इन्हें पता ही नहीं कैसे आके इनके थैले में, हमें बेवकूफ समझा हुआ है। और तुम्हारा ये पति? आपको शक हो रहा है? शक हो रहा है आपको? एक काम कीजिए, बुलाइए ना पुलिस, हम भी किसी से डरते नहीं है, बहुत देखे पुलिस बुलाने वाले। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि आप में से किसी ने ये काम किया और इसका नाम लगा है। मैं खुद कहता हूं बुला पुलिस। नहीं मंगल, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और मैं कहता हूं कि अगर मेरी पत्नी ने चोरी किया है तो मैं खुद इसे हथकड़ी पहनता हूं। आप लोग ऐसे क्या देख रहे? एक काम करता हूं, मैं ही पुलिस बुला लेता हूं। बोल, देख के डर रही है? मैं डर रही नहीं हूँ, जो मैंने चुराया नहीं तो कैसा डर? और क्या सबूत है आपके पास कि मैंने चुराया? ठीक है, तो पुलिस सबूत मांगेगी, सबूत मैं आपको अभी दे देती हूँ, पता लग जाएगा कि किसने चुराया है, किसने मुझे फंसाने की कोशिश की है। आपके यहाँ पे सीसीटीवी है ना, इसमें तो सब रिकॉर्ड हुआ होगा ना, ये चल रहा है ना कैमरा, तो देखिए इसमें ठीक तरह से पता लग जाएगा किसने चुराया है। देखिए लोगों को आपकी रिंग मिल गई, बात यही खत्म करते हैं, ये माफी मांगने के लिए भी तैयार है। मैं माफी नहीं मांगूंगी जी, माफी तो ये लोग मांगेंगे मुझ पर इस तरह से इल्जाम लगाने के लिए, झूठा बनाने के लिए। देखिए ना सीसीटीवी कैमरा में, मंगल पर लगा चोरी का बड़ा इल्जाम, अदित का फूटा मंगल पर गुस्सा, अदित ने मंगल को माफी मांगने को कहा। दोस्तों सीरियल मंगल लक्ष्मी की ऑल लोकेशन से आपके लिए लेकर आ गए हैं लेटेस्ट अपडेट, जहां आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि मंगल पर लग जाएगा चोरी का इल्जाम। दरअसल मंगल एक स्टोर पर होती है, तभी मंगल पर चोरी का इल्जाम लगता है और कहा जाता है कि मंगल ने अपने थैले पर रिंग चोरी कर दी है और छुपा दी है। ऐसे में मंगल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अदित आ जाता है, अदित का गुस्सा फूट पड़ता है मंगल पर, और अदित कहता है मंगल तुम्हारे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों होती है, चलो ये बात यहीं पर ख़त्म करते हैं और माफ़ी मांग लो। लेकिन मंगल माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होती और कहती है इन लोगों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक करिए और सभी बातें सामने आ जाएगी, ये भी पता चल जाएगा कि किसने मेरे बैग में अंगूठी डाली है। ऐसे भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या मंगल के खिलाफ मिलेगा सबूत या फिर असली चोर आएगा सामने? क्या लगता है आपको कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।